स्वागत है दोस्तों। आज 24 जुलाई 2023 दिन सोमवार का मंडे। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान की जानकारियां आ गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लाइक और शेयर करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे टीम को मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही हर रोज आगे बढ़ते रहे, काम की खबरें देखते रहे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज सोमवार को संसद में हंगामे के आसार, मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। संसद से मानसून सत्र के दौरान सोमवार को भारी हंगामा होने के आसार है। मणिपुर के मामले पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारी कर रखी है। वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी करेंगे ITPO कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन। देश का सबसे बड़ा इन्वेंशन सेंटर, सिडनी के ओपेरा हाउस से भी यह बड़ा है। 7,000 लोगों की यहां पर कैपेसिटी होगी। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 26 जुलाई को नई दिल्ली में रीडेवलप किए गए ITPO यानी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन कर सकते हैं। इस कन्वेंशन सेंटर में 9 से 10 सितंबर तक 18वीं G20 बैठक होगी। इस कन्वेंशन सेंटर में 3,000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक एमपी थिएटर भी है, जो 3 PVR थिएटरों के बराबर है। और यहां पर 5,500 से ज्यादा वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी है। वहीं राजधानी दिल्ली में यमुना फिर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों से लोगों को हटाया गया। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से 7 मौत होने की खबर। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। रविवार सुबह हथनी कुंड बैराज से 2,00,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर सुबह 7 बजे 205.81 मीटर तक था, लेकिन शाम 4 बजे वाटर लेवल खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर निकलकर 206.31 मीटर तक आ गया। और रात 10 बजे वाटर लेवल 206.44 मीटर पर पहुंच गया। वहीं बादल फटने के अगले दिन भी पानी में डूबा जूनागढ़। सैकड़ों कच्चे मकान गिर गए। कई जानवरों की मौत होने की भी खबर है। लोगों को घर से बाहर न निकलने के निर्देश दिए गए। गुजरात के जूनागढ़ शहर में शनिवार को 4 घंटे में 10 इंच बारिश हुई थी, और इसके बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। और इसके अगले दिन यानी रविवार को भी जूनागढ़ बाढ़ के पानी में डूबा हुआ नजर आया। कई इलाकों में सैकड़ों कच्चे मकान गिर गए। वहीं जो इलाके पानी में डूब गए थे, वहां लोगों का सारा सामान भी खराब हो गया। बाढ़ की चपेट में आए सैकड़ों जानवरों के शव भी मिले। मौसम विभाग ने भावनगर, नवसारी, जूनागढ़ और वलसाड़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में भी लगातार दूसरे दिन तेज बारिश देखने को मिली। भावनगर में 4 घंटे में 4.5 इंच बरसात। अहमदाबाद एयरपोर्ट में 3 फीट तक पानी भर गया। यानी गुजरात में मानसून का तीसरा राउंड पूरे जोर पर है। वाराणसी में भी गंगा का जल सैलाब, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 4 दिन में 2.5 मीटर जल स्तर ऊपर उठ गया। नौका विहार भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। वाराणसी में गंगा उफान पर चल रही है। गंगा का पानी अब वरुणा नदी में मिलने लगा है, और इससे वरुणा किनारे की बस्तियों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। हरियाणा के 16 जिलों में आज बारिश होने के अनुमान है। बाढ़ से अब तक 40 मौतें हो गई है। 1857 जानवरों की जाने चली गई। अंबाला, फरीदाबाद और सिरसा में NDRF, वहीं फतेहाबाद में आर्मी तैनात की गई है। वहीं आप देख सकते हैं, बीच नदी में फंस गई हरिद्वार जा रही बस, मचने लगी चीख पुकार। हैरान कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया है। रोडवेज बस यात्रियों को लेकर हरिद्वार जा रही थी। कोटा वाली नदी से गुजरते वक्त पानी का तेज बहाव होने के चलते बस बीच मझधार में ही फंस गई। बस फंसने से यात्रियों में हड़कंप मच गया और चीख पुकार मचने लगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित पहुंचाया गया। बड़ी खबर आ रही है, सीमा हैदर के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 2 भाइयों को उत्तर प्रदेश ATS ने हिरासत में लिया। बुलंदशहर में ये जनसेवा केंद्र चलाते थे। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर मामले में UP ATS ने बुलंदशहर से इन भाइयों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि इन्होंने मिलकर सीमा हैदर और सचिन मीणा के दस्तावेजों में छेड़छाड़ की थी। आपको मालूम ही होगा, सीमा से 18 घंटे पूछताछ हुई है। जांच एजेंसियां फिर भी उलझन में है। पूछताछ के दौरान अचानक रोने लगती है। IQ और एटीट्यूड टेस्ट भी हो सकते हैं। 7वीं पास सचिन ने पाकिस्तानी सीमा के लिए पूरा रूट मैप बनाया था। ATS भी हैरान है। वहीं ऐसी भी खबरें हैं कि नेपाल आने तक कंगाल हो गई थी सीमा हैदर। भारत आने के पैसे भी नहीं थे। व्हाट्सएप चैट में इस तरह का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है, और इस चैट में वो नेपाल के एक बस मैनेजर से बातचीत कर रही है। चलिए इसके अलावा दोस्तों, एक और अपडेट आपको बताते हैं। फेसबुक पर पाकिस्तानी युवक से हुई दोस्ती, 2 बच्चों और पति को छोड़कर भारत से लाहौर पहुंच गई अंजू। दरअसल हमारे देश में इस समय सीमा हैदर चर्चा में बनी हुई है। कुछ लोग सीमा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का जासूस बता रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वे सचिन से सच्चा प्यार करती हैं और उसे पाने के लिए वे भारत चली आई है। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां सीमा से कई दौर की पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन सीमा को अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। और फिलहाल जांच होने तक सीमा हैदर भारत में है। सीमा के भारत आने के बाद अब एक और घटना हुई है। इस घटना में फर्क बस इतना है कि इस बार कोई पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत से वहां पर गया। जानकारी आ रही है जिसके मुताबिक जिस
जिस तरह से पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत में अपने प्रेमी के साथ रहने लगी, उसी तरह से राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली एक महिला अपने दो बच्चों को छोड़कर लाहौर पहुंच गई है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर है, गूगल ने एक बड़ा एक्शन लिया है। कई ऐसे जीमेल अकाउंट है जिन्हें बंद कर दिया जाएगा। गूगल ने अपने नियमों में बदलाव किया और अगर आपने लंबे समय से अपने यूजर अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर वह बंद हो जाएगा। कंपनी 1 दिसंबर 2023 से इनएक्टिव अकाउंट को बंद करने जा रही है, यानी ऐसे अकाउंट जो एक्टिव नहीं है इनएक्टिव हो गए हैं, ऐसे जीमेल अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। वहीं ऑनलाइन सट्टे में बिजनेसमैन 5 करोड़ रुपए जीता, 58 करोड़ हारा। आरोपी बुकी दुबई भागा, घर से 17 करोड़ कैश और 14 किलो सोना मिला। महाराष्ट्र के गोंदिया में एक बिजनेसमैन से ऑनलाइन सट्टे में 58 करोड़ की ठगी हो गई। मामले में पुलिस ने जब 22 जुलाई को आरोपी के घर पर छापेमारी की तो वहां पर 17 करोड़ रुपए कैश, 14 किलो सोना और 200 किलो चांदी बरामद हुई है। तमिलनाडु के 9 जिलों में एनआईए की छापेमारी। रामलिंगम हत्या मामले में पीएफआई मेंबर्स के घरों में रेड की गई, कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। हैदराबाद में 712 करोड़ रुपए के चाइनीज फ्रॉड का भंडाफोड़ हुआ है, 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रिव्यू कराने के बहाने ये ठगी करते थे। भारतीय बाजारों पर विदेशी निवेशकों का भरोसा कायम, जुलाई में अब तक 43,800 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। एफपीआई की भारतीय शेयर मार्केट में लगातार दिलचस्पी जारी है। वहीं 2024 में महाराष्ट्र, बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसको मिल रही है कितनी सीटें, सर्वे के आंकड़ों ने यह खुलासा किया है। देश में अगला लोकसभा चुनाव 2024 में होना है और इससे पहले किए गए सर्वे में यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि किस राज्य में किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा, जिसे देखते हुए सभी मुख्य पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अब एक सर्वे सामने आ रहा है और ये सर्वे टाइम्स नाउ और ईटीक्यू ने किया, जिसमें नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले आ रहे हैं। महाराष्ट्र में किसे कितनी सीटें मिलेगी, सर्वे में ये सवाल किया गया कि महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी को 22 से 28 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं राजस्थान में भी सवाल किया गया। सर्वे के अनुसार राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिलने की संभावना है और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों को लेकर भी सर्वे किया गया। सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलने की संभावना है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती दिख रही है। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में टक्कर रहेगी। इस सर्वे में पश्चिम बंगाल की सीटों को लेकर भी सवाल किया गया। सर्वे के अनुसार बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी को 20 से 22 सीटें मिलने की संभावना है, वहीं बीजेपी के खाते में 18 से 20 सीटें जाती दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, जब तक दोषी नहीं तब तक जेल में रखना गलत, देनी होगी जमानत। दिल्ली की एक अदालत ने आरोपियों को जमानत नहीं दिए जाने को लेकर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि जमानत से इंकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि जब तक किसी आरोपी को दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक उसे जेल में रखकर सजा नहीं दी जा सकती है। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों के हाथ लगा ऐसा खजाना जो बना सकता है धरती के हर शख्स को अरबपति, यानी दुनिया का हर इंसान बिना कुछ किए अमीर बनना चाहता है और उसे लगता है कि बस उसके हाथ कोई खजाना लग जाए और उसे जीवन में कुछ करना ही ना पड़े। ऐसा ही एक खजाना इन दिनों चर्चा में है जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि अगर ये हाथ लग जाए तो धरती का हर आदमी अरबपति बन सकता है। अंग्रेजी वेबसाइट डेली स्टार में छपी रिपोर्ट की माने तो अंतरिक्ष में मार्स और जुपिटर के बीच में एक ऐसा उल्कापिंड मौजूद है जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि यह धरती पर रहने वाले हर इंसान को अरबपति बना सकता है। इस उल्कापिंड का एक टुकड़ा भी काफी ज्यादा कीमती होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस उल्कापिंड को आयरन, निकल और सोने जैसी महंगी धातुओं ने ढक रखा है। बड़ी खबर है, टोल पर जाम से मिलेगी मुक्ति, सरकार लागू करने जा रही है GNSS तकनीक। गेट फ्री होंगे टोल प्लाजा, बिना रुके पैसा कटेगा। सफर के दौरान हाईवे पर टोल प्लाजा पर हमेशा गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। इस जाम की वजह से यात्रियों को कुछ समय तक इंतजार भी करना पड़ता है। हालांकि फास्टैग के आने से टोल प्लाजा पर लगने वाले औसत समय में कमी आई है, लेकिन आने वाले समय में व्यवस्थाओं में और भी ज्यादा सुधार हो जाएगा क्योंकि सरकार जल्द ही टोल प्लाजा पर एक खास टेक्नोलॉजी लागू करने जा रही है। इससे टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम जैसे हालात नहीं बनेंगे। राज्यसभा में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि देश के टोल प्लाजा पर लगने वाले औसत वक्त में कमी आई। इसके अलावा फास्टैग लगने के बाद से टोल प्लाजा के कलेक्शन में भी बढ़ोतरी हुई। वहीं अब नितिन गडकरी जी ने कहा कि जल्द ही देश में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS पर आधारित गेट मुक्त प्लाजा बनाए जाएंगे। इससे लोगों को टोल प्लाजा पर कुछ वक्त के लिए भी नहीं रुकना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है, अब नहीं रहेगा संविदा जैसा शब्द। मध्य प्रदेश में अब संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नया नाम मिलेगा। जिले से कोई भी अधिकारी संविदा कर्मी की सेवा समाप्त नहीं कर पाएगा। नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश की सुविधा भी मिलेगी। हर साल सेवा का मूल्यांकन करने की व्यवस्था भी नहीं रहेगी। हड़ताल के समय का जो वेतन कटा था वह भी वापस मिलेगा और कोई प्रकरण भी नहीं चलेगा। इस तरह का आश्वासन रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को भेंट के दौरान दिया। सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, अब
मुफ्त मिलेंगे। 1,30,000 रुपए के लैपटॉप और मोबाइल यानी सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। अब उन्हें ऑफिस का कामकाज करने के लिए जो लैपटॉप और मोबाइल इत्यादि इश्यू किए जाएंगे, एक निश्चित समय बाद वे उसे अपने पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी उन्हें लैपटॉप और मोबाइल लौटाने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अधिकारियों को लैपटॉप मोबाइल इत्यादि इश्यू करने से जुड़ी अपडेट गाइडलाइन जारी की है। इन डिवाइसेज को 4 साल के बाद अधिकारी अपने पर्सनल यूज के लिए अपने पास रख पाएंगे। इन डिवाइस में मोबाइल लैपटॉप के अलावा टैबलेट, फैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्राबुक, नेटबुक जैसे डिवाइस शामिल है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर है, 19 लाख लोगों ने बुक किया टेस्ला का इलेक्ट्रिक पिकअप साइबर ट्रक। लॉन्चिंग से पहले 5 साल पहुंच गया वेटिंग पीरियड। सितंबर 2024 में मास प्रोडक्शन शुरू करेगी कंपनी। यानी टेस्ला के पहले इलेक्ट्रिक पिकअप साइबर ट्रक को लॉन्चिंग से पहले ही 19 लाख लोगों ने बुक करा लिया। कक्षा 6 से 12वीं तक की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने की मांग है और इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ट्विटर को लेकर एलन मस्क ने बड़ा ऐलान किया। एलन मस्क के राज में ट्विटर का कायापलट होने वाला। जब से एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की कमान अपने हाथ में ली है, तब से ही ट्विटर में बहुत कुछ बदल गया और अब ये सिलसिला लगातार जारी है। और वैसे भी दोस्तों कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अभी हाल ही में एलन मस्क ने कई ऐसे ट्वीट किए हैं जिन्हें देखने से एक बात तो साफ हो रही है कि जल्द ही ट्विटर और ट्विटर की चिड़िया दोनों की काया पलट हो सकती है। ट्विटर के डिफॉल्ट कलर को बदलने को लेकर भी ट्वीट से बातें सामने आ रही है। मतलब दोस्तों ट्विटर का नया लोगो भी जारी हो सकता है और नई कलर थीम भी देखने को मिल सकती है। बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या पहुंची टीवी की सीता दीपिका चिखलिया, पहली बार किए रामलला के दर्शन। रामानंद सागर के टीवी शो रामायण में सीता का रोल करने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया हाल ही में अयोध्या पहुंची और यहां पर उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए। उत्तराखंड में लागू होने जा रहा यूसीसी, दिल्ली में अमित शाह के साथ सीएम धामी की महत्वपूर्ण बैठक। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार तक दिल्ली में ही रहेंगे। यहां 25 जुलाई को भी एक बैठक में शामिल होंगे जिसमें राज्य के बीजेपी सांसदों के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिरकत कर सकते हैं। खबर है कि 80 साल की उम्र में बिग बी ने फिर थामी केबीसी की कुर्सी, शूटिंग शुरू। और हां दोस्तों वाराणसी पहुंच गई है एएसआई की टीम। आज शुरू होगा ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण। एएसआई की टीम सोमवार को ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वेक्षण शुरू करेगी। वहीं गुजरात में तांबा फैक्ट्री लगा रहे हैं अडानी, $1.1 अरब का खर्च, मार्च 2024 में चालू हो जाएगी, इस तरह के अपडेट्स हैं। मणिपुर वायरल वीडियो के बाद मिजोरम में दहशत का माहौल है। मिजो नेशनल फ्रंट ने कहा कि छोड़ दो राज्य, मैताई समुदाय के 40 लोग वापस लौटे, हजारों फंसे हुए हैं। यानी मणिपुर में 4 मई को भीड़ ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया था। 19 जुलाई को इसका वीडियो सामने आने के बाद राज्य में हिंसा बढ़ गई। अब पड़ोसी राज्य मिजोरम में भी खतरा मंडरा रहा। डर के कारण मैताई समुदाय के 40 लोग शनिवार को मिजोरम राज्य छोड़कर मणिपुर की राजधानी इम्फाल आ गए। हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि मिजोरम से मैताई समुदाय के पलायन की खबरों पर सरकार सतर्क हो गई है और सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। वहीं दोस्तों चंद्रयान 3 से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। पृथ्वी की कक्षा से जल्द ही बाहर निकलने वाला चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 चंद्रमा के कक्षीय पथ के करीब लगातार पहुंच रहा है, जहां से यह धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ेगा और इसके लिए 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। फिलहाल यह सही तरीके से काम कर रहा है, इसरो लगातार इसको लेकर अपडेट्स भी जारी कर रहा है। वहीं सीबीआई ने एक बड़ा खुलासा किया है। सफदरजंग अस्पताल के न्यूरो सर्जन ने कैसे मरीजों से करोड़ों रुपए वसूल किए। सफदरजंग अस्पताल में न्यूरो सर्जन मनीष रावत पर सीबीआई ने फिर शिकंजा कसा। न्यूरो सर्जन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। सीनियर टीचर जीके ग्रुप ए और बी का पेपर 30 जुलाई को होगा, राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 के ग्रुप ए और ग्रुप बी की सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन 30 जुलाई 2023 को किया जाएगा। वहीं सिंगापुर और ब्रुनेई के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, अब चीन में वीजा फ्री एंट्री फिर से शुरू होगी। वहीं उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है, दिल्ली दौरे पर गए सीएम धामी, सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक भी स्थगित हो गई है। वहीं पीएम मोदी 30 जुलाई को देशवासियों से फिर संवाद करेंगे मन की बात, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से सुझाव मांगे। गो फर्स्ट ने 25 जुलाई तक रद्द कर दिए सभी उड़ाने, 3 मई को संचालन बंद किया था। 40 लाख रुपए से कम दाम के घरों की बिक्री 18% घटी, सस्ते घरों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। देश के 7 प्रमुख शहरों में 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले किफायती घरों की बिक्री पहली तिमाही यानी जनवरी से जून 2023 तक में 18% गिरावट आई है। वहीं मेरठ में अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर ताला लगाया जाएगा, धमाके के बाद नींद से जागा प्रशासन, चेकिंग अभियान चला रहा है। वहीं रैनसमवेयर अकीरा हमले को लेकर सीआरटी ने चेतावनी दी है, यूजर्स को दी बुनियादी सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग करने की सलाह। वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 15 अगस्त के बाद फिर शुरू करेंगे जनसंवाद कार्यक्रम। उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए, पिथौरागढ़ जिले में ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रविवार शाम 6:30 बजे के लगभग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 3.2 तीव्रता का भूकंप आया है। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल के साथ बैठक के बाद यह फैसला हुआ है। 5
पांच सूत्रीय मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिलने पर हड़ताल को स्थगित करने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 1 अगस्त से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। राजस्थान से जुड़ी खबर है, अगस्त में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागू होगी, वहीं स्मार्टफोन वितरण की भी शुरुआत हो जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगस्त में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना और स्मार्टफोन वितरण की योजना शुरू होगी। शनिवार और रविवार को सोने चांदी के भाव अपडेट नहीं आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संपूर्ण भारत का आज 24 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र, कच्छ तथा दक्षिणी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। पश्चिमी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और दिल्ली में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।